अंकल सर की ही आवाज थी, और उनके साथ जो लड़की थी वो कौन थी? और वो लोग ऐसी बातें। मतलब क्या था? ये भगवान का कैसा इशारा था
संध्या आई। अरे क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना, ये घबराई हुई क्यों लग रही है तू? कुछ नहीं आई, ठीक हूँ ना, बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तो फिर ये पसीना क्यों आया है? गर्मी बहुत है ना आई, गर्मी से पसीना आ गया। अरे संध्या, पंडित जी आ चुके हैं, अभी केलवन करना है, कुलदेवी की पूजा करनी है, ये सब एक घंटे में शुरू हो जाएगा, जल्दी से तैयार हो जा और आ जा। काकू आई एम सॉरी, मैं जल्दी करती हूँ। हाँ तैयार हो जा। हाँ कल रात को रंजू का फोन आया था। रंजू हेलो, उसको कॉल करती हूँ, उसकी आवाज ही नहीं आ रही थी। रंजू का तो कॉल लॉग में कोई नंबर ही नहीं है, पर कल तो उसके नंबर से फोन आया था मुझे, ये कैसे हो सकता है? रंजू को फोन करती हूँ। रंजू तो अमेरिका गई हुई है, उसके पुराने वाले नंबर पे ही कॉल करती हूँ मैं, कल फोन तो आया था। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? पहले मुझे रंजू यहाँ दिखाई दे रही थी, फिर उसका फोन भी मैंने रिसीव किया, और अब उसका फोन, ये क्या हो रहा है? देखिए, जिस रात आपकी बेटी रंजना मिसिंग हुई है, उसी रात एक डेड बॉडी मिली है, और उसका हुलिया हूबहू वैसे ही है जैसे आपने अपनी बेटी का बताया था। लेकिन वो डेड बॉडी के पास से कोई आईडी, कोई सामान, कुछ तो मिला होगा? सॉरी सर, कुछ नहीं मिला है बॉडी के पास, नो आईडी प्रूफ, नो सामान, नथिंग। इनफैक्ट उसका चेहरा इतनी बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है कि हम ये भी नहीं कह सकते कि वो आप ही की बेटी है या कोई और। वो मेरी बेटी नहीं हो सकती, नहीं, नहीं हो सकती वो। आई होप सो एंड आई विश ऐसा ना हो सर, बट सर बॉडी की शिनाख्त के लिए हमें मुंबई निकलना होगा, एक घंटे बाद हम साथ निकलेंगे, प्लीज बी रेडी। पापा रंजू, हे रंजू, रंजू मेरी बेटी। ये हवस का सही पापा, दरवाजा कैसे खुल गया पापा? पापा, पापा, रंजू, रंजू बेटा, पापा, पापा मुझे ढूंढ लो पापा, मैं कहीं खो गई हूँ, प्लीज ढूंढ लो पापा। रंजू बेटा, रंजू, मैं आ रहा हूँ, रंजू। रंजू, बेटी कहाँ गई तू? अरे रंजू। आपने भी तो नहीं बताया रात को आपसे कोई मिलने आया था। देखो जी, उसके बाद से आप बहुत टेंशन में हो। क्या है ना प्राजी, लड़की की शादी का कार्य है, रौनक मेला तो चलते ही रहता है, कभी किसी की इनकमिंग, कभी आउटगोइंग, और कभी केटरर आ गया, कभी फूल वाला, कभी फल वाला, और चुटर पुटर काम भी बच जाते हैं ना, पर अब सब हो गया, अब टेंशन डू नॉट मेंशन। चलो चंगा, कुछ लीजिए चाय वगैरह। विनायक जी, मुझे संध्या से बात करनी है। संध्या,
सर आप यहाँ यहाँ क्यों आए हैं? नहीं वो मैं तैयार हो गया था तो मैंने सोचा कि जो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, तुमसे पूछता हूँ कैसे लग रहा हूँ, कैसे लग रहा हूँ? अच्छे लग रहे हैं सर, पर प्लीज आप उस तरफ देखिए ना। पर तुम तो इस तरफ हो। सर प्लीज उस तरफ देखिए ना। नहीं देखना मुझे उस तरफ, मुझे सिर्फ तुम्हें देखना है। सर प्लीज। अंगद। सर अंगद। अंगद अब प्लीज आप उस तरफ देखिए ना। वैसे लड़की को रेडी होने में काफी एफर्ट लगता है ना, मैं हेल्प करूं? आप ही हेल्प करेंगे, आता है आपको रेडी करना? इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं नहीं मुझे आपसे रेडी नहीं होना। क्यों? आप देखेंगे? नहीं देखूंगा, आंखें बंद करके रेडी कर दूंगा। नहीं नहीं मुझे आपसे रेडी नहीं होना है। आप वैसे भी मुझे यकीन है आप नहीं कर पाएंगे मुझे रेडी। अच्छा शर्ट लगाएं? फिर आ जाओगी? लगानी शर्ट? ठीक है मगर आप आंखें बंद करेंगे। क्या चाहता है? जब तुम्हारे पास होता हूं तो वक्त रुक जाए, दुनिया रुक जाए, तुम रुक जाओ। ये सब सिर्फ आप मुझे ही कह रहे हैं या फिर उसे भी कहा था जो कल रात आपके साथ थी? संध्या को अपनी सहेली रंजना के गायब होने और उसके बाद मरने की खबर का पता नहीं चलना चाहिए। लड़की मेरे साथ? मेरे साथ तो कोई लड़की नहीं थी। आप झूठ बोल रहे हैं ना सर। नहीं संध्या मैं क्यों झूठ? ओप्स सॉरी रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग एंट्री पर एंडी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। लाइक इट्स रियली अर्जेंट। निशा मैं अभी हाय अभी तक हम ऑफिशियली मिले नहीं है। आई एम संध्या। ओह यस हाय आई एम निशा अंगद की दोस्त। अच्छा तो फिर कल रात को आप ही थी ना सर के साथ में जब वो आप बात कर रहे थे? कल रात एंडी के साथ? नो 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 यू आर मिस्टेकन इट्स इम्पॉसिबल क्योंकि मैं आज सुबह ही आई हूँ। संध्या तुमने तो अभी से शकी बीवी का रोल निभाना शुरू कर दिया है।
साहब, हमको पता होता तो हम आपसे क्यों छुपाते? देखिए, आप समझने की कोशिश समझ रहे हैं हम, मेरी लड़की में से की ये क्या कह रही? ये कह रही कि शायद मेरी बेटी की मौत, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी मैंने उसको वहां पे देखा, उसे बात की, उसने मुझे आवाज दी। पापा पापा, ये मैंने सुना, शायद उसके साथ एक औरत थी, शायद गांव वाले होगी। ये हो क्या रहा है? हाँ, क्या छुपा क्या रहे हो तुम लोग मुझसे? प्लीज प्लीज टेल मी द ट्रुथ, डोंट प्ले हाइड एंड सीक विद मी। नहीं, मुझे संध्या से मिलना है, अभी के अभी मिलना है। आई वॉन्ट टू स्पीक टू हर, प्लीज आई वॉन्ट टू मीट हर। काम डाउन, मुझे काम डाउन, काम डाउन, प्लीज प्लीज। कंसर यहाँ पर नहीं है, आई एम सॉरी बट वो यहाँ पर नहीं है। अगर वो यहाँ होती तो हम सबको पता होता कितने लोग हैं इस घर में। किसी और ने तो उसे देखा होता, वो यहाँ पर नहीं है। I'm so sorry. सुनिए, आप पर क्या गुजर रही है मैं सोच भी नहीं सकता। निशा ने जो न्यूज दी कि रंजना मर्ड, इवन आई वाज शॉक्ड एंड आई होप एंड आई प्रे कि रंजना जहां पर भी है बिल्कुल ठीक है। अंकल, आई होप उसके मरने की खबर झूठ हो। देखिए, जानता हूँ कि गुस्से के पीछे एक बाप का अपनी बेटी के लिए प्यार है, उसकी कंसर्न है, लेकिन अंकल प्लीज थोड़ी सब्र कीजिए। ओके, अंगद सर, मेरा दिल नहीं मान रहा है। मैं जानती हूँ कि आप झूठ बोल रहे थे कि आप अपनी उस दोस्त के साथ नहीं। I'm sorry, मुझे लगा कि अंगद, काश मैं होता। क्या? कुछ नहीं, एक्चुअली ये वाड़ा बहुत बड़ा है ना, तो मैं रास्ता भटक गया था, अपना कमरा ही भूल गया और गलती से इस कमरे में आ गया। एनीवेज, सॉरी, बाय। बाय द वे, इस कमरे में कुछ मिसिंग है। क्या? तुम्हारी स्माइल। सुनो, तुम तो अंकद सर के बचपन के दोस्त हो ना, तो निशा को तो जानती होगी, वो भी उनके बचपन की दोस्त है, तो उन दोनों के बीच कभी कुछ है क्या? तुम एक काम क्यों नहीं करती, जाकर डायरेक्ट अंकद से क्यों नहीं पूछ लेती? वैसे भी थोड़ा प्राइवेट क्वेश्चन है, अगर मैं आंसर करूंगा तो या तो सवाल गलत हो जाएगा या जवाब। मेरा सवाल टाल रहे हो, बातें घुमा रहे हो। जब कोई ऐसा करता है तो इसका मतलब समझते हो ना क्या होता है? या तो तुम गलत हो या फिर तुम्हारा जवाब गलत है। पर मैंने तो कोई जवाब दिया ही नहीं। ऐसे नजरें चुरा के जवाब ना देना भी जवाब ही होता है। वैसे भी तुम अंगद सर के फ्रेंड हो, मेरे थोड़े ना कुछ लगते हो जो मुझे कुछ बताओगे। Are you sure? कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता? तुम प्लीज जाओ यहां से। रेडी है, पूजा का टाइम हो गया है। हाँ हाँ हाँ, आई। अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ अकेले इस रूम में देख लिया तो लोग गलत मतलब निकाल सकते हैं। पहले तुम जाओ, मैं बाद में चला जाऊंगा।
भाभी वो आपकी सौतन है, उन्हें ना देखने की आदत डाल लो आप। रूही हाउ स्टूपिड, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? संध्या नथिंग लाइक दैट, दैट्स निशा, अंगद की बचपन की दोस्त, बेस्ट फ्रेंड। हाँ तो ठीक है ना, ये बात हमें पहले तो नहीं पता थी। पहले तो हम सबको यही लग रहा था ना कि अंगद भैया और निशा दीदी आपस में शादी कर लेंगे। अब उनकी इतनी पुरानी फ्रेंडशिप है जो शादी में नहीं बदली तो क्या कर सकते हैं? रूही जरूरी नहीं है कि जो बेस्ट फ्रेंड्स हो उनकी शादी भी हो जाए, राइट? हाँ ठीक है, बट दे केयर फॉर ईच अदर, दोनों एक दूसरे की कितनी फिक्र करते हैं, अंगद भाई निशा दी की, निशा दी अंगद भाई की। अच्छा अच्छा है, ये शादी में कब आई, मतलब यहाँ कब आई? ये कल रात को ही आ गई थी, आप मिली नहीं इनसे? No, 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 you're mistaken. It's impossible, क्योंकि मैं आज सुबह ही आई हूँ। नहीं, मिली मैं। मतलब अंकित ने मुझसे झूठ कहा, कुछ तो है ऐसा जो मुझे दिख के भी नहीं दिख रहा। God knows मेरी बेटी कहाँ होगी? भगवान, please, please मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। रंजू, रंजू कहाँ है तू, रंजू? पापा मैं यहाँ हूँ पापा। मैं आ रहा, आ रहा हूँ राजू। क्या हुआ? राजू, ए राजू, 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 ये चुप चुप क्यों? बात करो ना। बातें करने के लिए पूरी जिंदगी बाकी है। संध्या बेटा क्या हुआ, तेरे आंखों में आंसू क्यों है? दुआएं ना आई, आंख में चला गया, इसीलिए बस। सुनिए सुनिए, आपने यहां पर किसी लड़की को देखा है? लगभग 5 फुट की हाइट होगी, अभी अभी यहां पर आई है। रंजू, मेरे बच्चे, तुझे तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हम लोगों ने, और तू यहाँ पर है। तुझे पता है तेरी मम्मी और मैं, हम लोगों की तो जान निकल गई थी। ये सोचते सोचते कि कहाँ चली गई तू, क्या हुआ होगा तुझे? थैंक गॉड तू ठीक है। चेहरे पे क्या लगा रखा है तूने, क्या है ये? पापा प्लीज, पापा बचा लो मुझे। ओम पूर्णाहुते नमः स्वाहा। देवी ची पूजा आणि हवन संपन्न झाली, आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। कुछ तो बोलो। देखो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा, लेकिन बात तो करो। हाँ बात तो करनी पड़ेगी, लेकिन इस पूजा के बाद। हे कुलदेवी माँ, इस दिव्य जोड़ी को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि यह जोड़ी ऐसे ही बनी रहे और इस पर कभी किसी की कोई बुरी नजर ना लगे। आरती प्रारंभ करते हैं।
शक्ल तो पहचान में नहीं आ रही, पर कपड़े देखकर लग रहा है कि रंजना के फादर है। सामने एकदम से गिरा और कुछ नहीं कर पाई, मैं एकदम ब्लैक हो गई। वो ऐसे कैसे? उषा, संध्या को पता नहीं चलना चाहिए कि वो रंजना के पिता थे, उसकी हालत और खराब हो जाएगी। वो कौन था? वो ऐसे समझना ना तो आई, वो आदमी कौन था? वो ऊपर से कैसे गिर गया? आई कैसे गिर आई? कुछ बताया कि आपको किसी ने? वो आदमी, वो गांव के गेस्ट थे। गांव के गेस्ट थे, शायद उनका पैर फिसल गया। बेचारे, हम उनकी फैमिली को ढूंढ रहे हैं उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। हाँ, वो गांव के आदमी थे। जो होना था वो हो गया है, अब इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। भाई कैसे? हादसा था संध्या। आंटी प्लीज संध्या को संभालिए, मैं जरा नीचे होकर आता। नहीं नहीं नहीं, आप मत जाइए ना प्लीज। जाना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन नीचे सब परेशान है ना, मैं बस यूं गया और यूं आया। आई प्रॉमिस। सर, इन सबके स्टेटमेंट लेने हैं सर। पुत्र, संध्या कैसी है? अभी भी सदमे में। यहाँ कुछ पता चला? कैसे हुआ ये सब? मेडिकल रीजन, हार्ट अटैक पड़ा सर। मैंने जितने भी लाइफ इंश्योरेंस किए ना, सब ऐसे ही गए, लेकिन अच्छे से गए। मेडिकल रीजन? नो, आई डोंट थिंक सो। पैसे वाले थे, बेटी मिसिंग थी और बहुत टेंशन में थे। सुबह से हम देख रहे थे कि वो यहाँ से वहां, वहां से यहाँ जा रहे थे। इट ऑल एड्स अप टू अ सुसाइड। ओ मेरे बीमा के बाप, हर चीज मेडिकल रीजन नहीं होता है। और मेरी डेली समाचार, वो किसी भी बात में ना कंट्रोवर्सी ऐड करके ना उसे सुसाइड बना दिया। ऐसा नहीं है यार। कुछ दिन पहले उनकी बेटी गायब हो गई और आज खुद उनकी मौत, वो भी इस तरह। इस तरह मतलब? मतलब अकाल मौत। पर ये भी तो हो सकता है कि किसी ने उन्हें पुश किया हो। आई डोंट थिंक सो। उन्हें कौन मारना चाहेगा और क्यों? वैसे भी बाहर वाला कोई घर में था नहीं और घर वाले सब यहां थे पूजा में। इट डजंट मैटर। वहां टेरेस पे वो औरत कौन है? तो देखा था, ऐसे अचानक कहां गायब हो गई?
आज सुबह जिस तरह से वो आदमी पूजा में गिरा वो कहीं से भी नेचुरल नहीं था। ऐसे कौन गिरता है? ये सच में एक एक्सीडेंट था या ये सब क्या हो रहा है? कहीं अंकल सर ने कहा था कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे, अभी तक नहीं आए। कहीं उनके साथ कुछ नहीं? नहीं, मैं जाकर देखती हूँ। आप यहां क्या कर रही हैं? कौन है आप? मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या कर रही हैं आप यहां पे? कुछ बोल क्यों नहीं रही? कुछ तो गलत है। पहले रंजना गायब हो जाती है, फिर उसके डैड बेचारे ऊपर से गिर के। उनकी बॉडी बॉडी देखी उनकी कैसे? वो संध्या भी कितनी डरी सहमी बैठी, उसे भी सच नहीं बता सकता, उससे भी झूठ बोलना पड़ रहा है। It's not right, damn it. Andy, relax. Relax, Andy, और तुम टेंशन मत लो। ठीक है, एक बार इस मेस से हम बाहर आ जाएंगे ना, तो संध्या को सब कुछ बता देंगे। हाँ, ठीक है ना? पंडित जी ने कहा है आज घर में संगीत मत रखो, घर में मौत हुई है और ये अपशगुन है। देखो जी, शगुन अपशगुन का तो मुझे कुछ पता नहीं, पर हाँ जिनकी मौत हुई है उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। That means कल जो शादी है वो शादी तो कल ही होगी। I hope कल इस शादी में कोई अड़चन ना हो। दिशा और अंगद सर, इन दोनों के बीच में कुछ है क्या? नो, I don't think so, ऐसा कुछ हो सकता है। पर फिर निशा ने ऐसा क्यों कहा कि हम जल्दी इस मेस से बाहर निकल जाएंगे, फिर मुझे बता देंगे। That means मेरी शादी एक मेस है निशा के लिए। उन दोनों के बीच क्या है? इन दोनों के बीच इन सारे सवालों का जवाब ना एक ही इंसान दे सकता है। अंगद सर, उनसे जाके पूछती हूँ। ये तो वही मंगलसूत्र है यहाँ। ये मंगलसूत्र बार बार मेरे सामने क्यों आ जाता है? I'm tired. Enough. मंगलसूत्र अपने आप कैसे अंदर आ गया? इसे तो मैंने खुद बाहर फेंका। This is impossible. नहीं, मैं आज इसको फेंक ही होंगी। Thank you.
हो रहा है? ये मंगलसूत्र बार बार अंदर कैसे आ रहा है? नहीं, आई एम फेड अप। मुझे इस मंगलसूत्र का कुछ करना ही होगा। अब ये वापस नहीं आ सकता। यहाँ क्या हुआ? I'm sorry, वो मेरे कमरे में ना। हाँ बोलो, क्या तुम्हारे कमरे में? वो अंगद सर आए थे मुझसे मिलने के लिए, मुझे बोला उन्होंने कि अभी आ रहा हूँ, बस उनको ही ढूंढ रही थी तो। एंडी, मुझे लगा कि एक्चुअली तुमने कोई भूत भूत देख लिया। अरे जस्ट किडिंग, मैं भी अंगद को ही ढूंढ रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। एंडी, यू नो आई एम अ रिपोर्टर, लेकिन मेरे मुंह से सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, क्या वाकई में भूत होते हैं? कम ऑन निशा, कैसी बातें कर रही है? भूत भूत कुछ नहीं। दादी और गांव के कुछ और भी कह रहे थे। आराम से चलो, पूरी टेन टाइम यार। अरे भैया ठीक हो? चलो इतनी टेंशन मत लो, चलो साथ में ढूंढते हैं, कम ऑन। अभी मैंने अपने कमरे में जो देखा वो सच था कि मेरा भ्रम? कपिल को बताओ क्या? हेलो मैडम, काय साला, काय विचार थे, कहाँ खो गई तुम? कुछ नहीं, कुछ नहीं। लो वो रहा एंडी। Can you walk? No. It's okay. मेरा रूम यहीं पे है, वहां चलते हैं। I help you. और वहां ऑइंटमेंट लगा लेना, रेस्ट भी कर लेना। Come, easy, easy, easy. ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसा दिख रहा है वैसा ना हो, तुम एक बार आंटी से बात तो करो। तुम्हारा फ्रेंड है, तुम बात करो ना उसे, डिपेंड मत करो। जो भी था सब देखा, मैंने भी देखा, तुमने भी देखा, तो प्लीज संदे। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.